दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि किशोर कुमार एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। वो जब फिल्म इंडस्ट्रीज अर्थात बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में जब एंट्री लिए तो ना केवल गायन बल्कि एक्टिंग, फिल्मों का निर्माण करना, फिल्मों में निर्देशन देना, संगीत बनाना, सभी कार्य में अपना हस्तक्षेप करने लगे और सभी कार्य को टटोल के देखने लगे उसको किसमें कामयाबी मिलता। और इसके चलते उनको सबसे ज्यादा कामयाबी जो मिली वो फिल्म के नायक के तौर पर, क्योंकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में उन्हें चार्ली चैप्लिन का एक जीता जागता रूप माना जाता था, अर्थात जिसके अंदर एक जलती हुई ज्वाला लेकिन ओठों में एक हंसी। किशोर कुमार इस टाइप के एक्टिंग को बहुत अच्छे से निभा लेते थे और इसी के चलते उनके बहुत सारे फिल्मों में पार्श्व गायन मोहम्मद रफी, मन्ना डे या महेंद्र कपूर भी किए थे, अर्थात निर्माता निर्देशक उनके एक्टिंग पे तो भरोसा कर लेते थे लेकिन उनके गायन पे भरोसा नहीं करते थे। इसी दौरान 1954 में यानी 1954 में एक फिल्म बन रही थी विमल राय द्वारा जिसका नाम था नौकरी। नौकरी में कुछ इसी प्रकार का किरदार की जरूरत थी, जो नौकरी नहीं मिलने के कारण बहुत अंदर से दुखी है मगर ऊपर से वो उसको हंसी के रूप में ही रखे रहता है। तो इस फिल्म में किशोर कुमार को वे अनुबंध करते हैं और फिल्म के संगीत निर्देशक के तौर में उन्होंने सलील चौधरी को रखते हैं। किशोर कुमार जैसे ही सुनते हैं कि सलील दा इसके म्यूजिक डायरेक्टर, वो समझ जाते हैं कि सलील चौधरी उनसे गाना नहीं गवाएंगे क्योंकि सलील चौधरी उन्हें पसंद नहीं करते थे। फिर भी किशोर कुमार जब सुनते हैं जो सलील चौधरी बॉम्बे आए हुए, तो वे अपने कुछ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड प्लेयर लेके सलील चौधरी के पास पहुंच जाते हैं और वे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह कम से कम उनके खुद के फिल्म में उनको गाना गाने दिया जाए। लेकिन सलील चौधरी का पहला ही प्रश्न यही था कि तुम कब से गाना गाने लग गए। इसमें किशोर कुमार अपने द्वारा लाया गया रिकॉर्ड उनके तरफ बढ़ा देते। तो सलील दा कहते, नहीं मैं गाना सुना हूं लेकिन मैं जिस प्रकार का संगीत देता हूं उस पर तुम फिट नहीं बैठते, इसलिए मैं तुमसे नहीं गवा सकता। तो किशोर कुमार बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद बोले, मैं पूरे मेहनत करूंगा, आपके हिसाब से मैं खरा उतरूंगा, बोल के वे दो गाने गाने के लिए उनको राजी करवा लेते और दो गाने किशोर कुमार के द्वारा रिकॉर्ड कर दिया जाता। पहला जो गाना है वो एक युगल गीत था जिसे कि वे श्यामल मित्रा के साथ गाते हैं। एक छोटी सी नौकरी का तलब गार हूं मैं, अपना बाबू ही बना लो मुझे बेकार हूं मैं। उसे भी किशोर कुमार ने बखूबी गाया, उसे भी सुनिए। अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो छोटे दिमाग पुराओगे देखो बड़े पछताओगे। इस पिक्चर का जो क्रीम गाना था, जो सबसे अहम गाना था, वो सलील चौधरी बोलते हैं इसे मैं तुमसे नहीं गवाऊंगा क्योंकि इसके लिए मैंने हेमंत कुमार को ऑलरेडी अनुबंध कर चुका है। तब किशोर कुमार के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता, वो सीधा विमल राय के पास पहुंच जाते हैं। विमल राय से जाके रिक्वेस्ट करते हैं जो सलील दा को किसी भी तरह मनाए, जो पिक्चर का जो असली गाना है वो भी मुझसे ही गवाए। विमल राय भी क्या करते, वो उनका फिल्म का नायक है, वो सलील दा को फोन करते, बोले सलील दा ये नया लड़का है हेमंत कुमार वगैरह तो बहुत गाना गा चुका है, इसको थोड़ा सा मौका दे दीजिए, इससे गवा दीजिए। तब सलील दा एक शर्त रखते हैं किशोर कुमार के पास, जो मैं तुम्हें गाना तो गाने दूंगा लेकिन तुम इसको प्रैक्टिस करके आओ, अगर तुम्हारा रिकॉर्डिंग मुझे पसंद नहीं आया तो मैं फिर से इसे हेमंत कुमार से फिर से री रिकॉर्ड करवा लूंगा। इसमें किशोर कुमार तैयार हो जाते हैं और गाने को पूरा प्रैक्टिस करके आके इस गाने को अच्छी तरह से। छोटा सा घर होगा, बादलों की छाओगी, अच्छी तरह से जब गाते हैं और विमल राय, सलील चौधरी सभी सुनते हैं, सुन के देखते हैं नहीं गाना बहुत अच्छा बना है, तो इसी गाने को रहने देते हैं। अब जो सवाल आता है, जो अनुबंध जो कर दिया गया था हेमंत कुमार के साथ उसका क्या होगा, तो इसका एक बीच का रास्ता निकालते हैं, जो इस गाने का एक सैड वर्सन भी इस पिक्चर में डाला जाता है जो कि किशोर कुमार के भी बैकग्राउंड में होगा और वो सैड वर्सन को हेमंत कुमार से गवाया जाता है। सुनिए। दोस्तों, नौकरी के सभी गाने बहुत हिट थे, खासकर ये जो गीत सुने छोटा सा घर होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। लेकिन इसके बाद भी सलील चौधरी किशोर कुमार को अपने फिल्मों में ज्यादा गाने का मौका नहीं दिया करते थे, तब तक जब तक उन्होंने मेरे अपने पिक्चर के सबसे सुपरहिट गाना कोई होता जिसको हम अपना कह लेते ना गाया था। ये गाना गाने के बाद सलील चौधरी किशोर कुमार का गायन क्षेत्र में भी लोहा मान लेते हैं और उनकी बहुत तारीफें किया करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार
नौकरी फिल्म का जो गाना है छोटा सा घर होगा, इसको गाने के लिए किशोर कुमार को कैसे अग्नि परीक्षा देना पड़ा था ये आपने सुने। ये प्रसंग कैसा लगा इसे जरूर कमेंट करके कहिएगा और एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यह हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं ऐसे अनोखे कोई प्रसंग बनाऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।